हर हर महादेव, जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपके साथ बेसन की कचौड़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो देखिए, ये नॉर्मल बेसन है जो हम लोग डेली वे में यूज़ करते हैं। इसमें हम बेसन में मंगरेल है, हल्दी, खाने का सोडा और हींग को अच्छे से गर्म पानी में फुला के रख दिए, तो वो हींग का पानी भी इसमें ऐड करेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नॉर्मल पानी के साथ इसका एक डो तैयार कर लेंगे। जैसे हम आटा सानते हैं सेम उसी तरह थोड़ा चिकनाहट के लिए इसमें थोड़ा सा तेल देकर बढ़िया से सान लेंगे। अब ये कचौड़ी के लिए मैदा और सूजी और डालडा को गर्म करके इसमें डाल दिए। इसको अच्छे से इसको हाथ से मिला लेंगे। अच्छे से मिलाने के बाद फिर इसको गर्म पानी से हमें सान कर डो तैयार कर लेंगे। थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। देखिए, हमारा ये कचौड़ी के लिए बेल के रख लिए हैं। इतने अच्छे तरीके से इसका कलौंजी दिख रहा, अंदर का मसाला दिख रहा। तो यहाँ तेल भी गर्म आ गया, तो कचौड़ी आ गई छपाक से तेल में। देखिए कितनी फुली फुली कचौड़ियाँ निकल रही हैं। यकीन मानिए दोस्तों, ये देखने में जितना रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। राधे राधे।